हाय, मेरा नाम है डॉक्टर अमित गुप्ता और आज मैं आपके लिए जो प्रोडक्ट लेके आया हूँ वो आपकी जवानी को बरकरार रखेगा, आपको देगा चमकती दमकती त्वचा और जो आपको हेल्दी भी बनाएगा अंदर से और बाहर से भी। आप अंदर के सारे सेल्स आपके स्ट्रांग हो जाएंगे, हेल्दी हो जाएंगे और आपके चेहरे पे जो निखार आने वाला है ना और जवानी आपकी जो झलकने वाली है और ज़्यादा, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो गाइज, एक बहुत मैं एक चीज़ जो आप बताने वाला हूँ, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, इसके बारे में आज थोड़ा आपसे डिस्कस करूँगा। बट उससे पहले हम जान लेते हैं कि हमको स्किन को हेल्दी रखने के लिए, जवान रखने के लिए, स्किन को टाइट रखने के लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज़ हमें चाहिए होती है। तो हमारी स्किन में इलास्टिन एंड कोलेजन दो टाइप के प्रोटीन पाए जाते हैं। कोलेजन हमारी स्किन को स्ट्रेंथ देता है, जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होता है, आपस में मैश होते हैं, जो आपस में जुड़े होते हैं और स्किन को स्ट्रेंथ देता है। और इलास्टिन इलास्टिसिटी देता है, लाइक आपने यहाँ पे पिंच किया और इसको छोड़ा तो ये वापस अपने फॉर्म में चला गया। आपने बूढ़े लोगों के स्किन को देखा होगा, जो बहुत 80 साल के 85 साल के लेडीज़ होती हैं, जेंट्स होते हैं, जो बड़े बड़े बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, उनकी जब स्किन को खींचोगे ना तो खींच के ही रह जाती है, वो अपनी जो एक्चुअल पोजिशन है तो उसको वापस से रिगेन नहीं कर पाती है। दैट इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इलास्टिसिटी। तो हमारी स्किन में स्ट्रेंथ के लिए और इलास्टिसिटी के लिए दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन होते हैं, लाइक कोलेजन एंड इलास्टिन, जो हमारी स्किन को स्ट्रेंथ भी देता है और इलास्टिसिटी भी देता है। अभी बहुत से रीज़न होते हैं, आप देखो छोटे बच्चे जब पैदा होते हैं उनकी स्किन एकदम गुलगुली सी होती है, बहुत ही प्यारी स्किन होती है, बहुत एक सॉफ्ट स्मूथ सी स्किन होती है। बट जैसे जैसे हम सब की स्किन वैसी थी, मगर अब जैसे जैसे हम लोग जवान हुए, बड़े हुए, एज हमारी होती गई और हम ऐसे तो पड़ाव में ऊपर जाते रहे, हमारी स्किन में यूवी रेज के जो सन से निकलती है और आपकी फ़ोन से भी निकलती है, आपकी टीवी से निकलती है, आपकी कंप्यूटर स्क्रीन से भी निकलती है, लाइक ब्लू रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, ये सब जो रेज होती है वो हमारी स्किन की इलास्टिसिटी और जो कोलेजन है उसको डैमेज करती है। तो उसके कारण हमारी स्किन, जब हम बाहर धूप में जाते हैं, पॉल्यूशन में जाते हैं, तो हमारी स्किन की इलास्टिसिटी और जो कोलेजन है वो डैमेज होता है। तो हमारी स्किन रिंकल्स आने लगते हैं स्किन में, इलास्टिसिटी खोने लगती है और जैसे जैसे एजिंग होती है हमारी स्किन ढलने लगती है। आपने यंग लोगों को 15-20 साल के बच्चों को देखा होगा, उनका फेस एकदम ओवल होता है, गोल होता है, ऐसे ओवल होता है ना, पर जैसे जैसे एजिंग होती है ये एरिया ढलने लगता है, ऐसा लटकने लगता है चेहरा, जस्ट बिकॉज ऑफ कोलेजन डैमेज एंड इलास्टिसिटी, जो इलास्टिन होता है उसका डैमेज के कारण ये चीज़ें होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको जानने के लिए। अभी इसको हम बचा कैसे सकते हैं और ट्रीट कैसे कर सकते हैं, तो ये ना 20 से 25 साल की एज जो होती है ना उनके लिए वीडियो बहुत बहुत अच्छा वीडियो होना है उनके लिए। एटलीस्ट अभी से अगर आप ये चीज़ें जो मैं बताऊंगा फॉलो करेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म में ज़्यादा समय तक आप जवान रह सकते हैं। तो गाइस ये वीडियो ज़रूर देखिएगा तो आपको और बाद में थैंक यू ज़रूर बोलिएगा। और ये अच्छा, ये जो प्रोसेस है मैं आपको बताने वाला हूँ ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, शॉर्ट टर्म प्रोसेस नहीं कि आपने आज लिया पिया खाया पिया दवाई खाई और अगले दिन से आप जवान हो गए टाइट हो गए, स्किन ऐसा नहीं होता। तो अगर हम लोग जो ट्रीटमेंट करते हैं स्किन के क्लिनिक पे, मेरी क्लिनिक पे जो कोई आता है ओल्ड एज का, मिडिल एज का, स्किन को बोलते हैं कि हमें रिंकल्स ख़त्म करने हैं और स्किन को टाइट करना है, तो उसके लिए जो ट्रीटमेंट्स होते हैं लाइक बोटॉक्स हो गया, फिलर हो गया, NRF हो गया, थर्माश टाइप का हो गया, या और भी स्किन सर्जरीज हो गई हैं, या CO2 फ्रैक्शन लेजर हो गया, ऐसे हम स्किन को टाइट कर देते हैं, उसके हम कोलेजन रीमॉडल करते हैं, हम कोलेजन को डैमेज करेंगे, कोलेजन वापस से रीमॉडल वापस से बनेगा। जैसे हड्डी फ्रैक्चर होता है तो बोन रीमॉडल होती है, हड्डी वापस बनती है, ऐसे कोलेजन को हम डैमेज करते हैं तो कोलेजन वापस बनता है। बट उसके लिए भी बनने के लिए ताकि उसकी टाइट हो जाए, मगर अगर आपको ये प्रोसेस से नहीं जाना है तो आपको क्या करना है, आपको लेना है दिस मार्स बाय GSC का प्लांट बेस्ड कोलेजन बिल्डर, दिस इज वेरी गुड कोलेजन पाउडर। गाइस मार्केट में बहुत सारे कोलेजन पाउडर आते हैं, मैंने वीडियोज भी बनाए हुए कोलेजन पाउडर के ऊपर। तो कोलेजन क्या होता है, कोलेजन हमारी स्किन को स्ट्रेंथ देता है, स्ट्रेंथ देता है। अब कितने टाइप के कोलेजन होते हैं मार्केट में, जो आपने एशियन स्किन को देखा, एशियन जो थाईलैंड के लोग होते हैं या जापानीज होते हैं या कोरियन होते हैं, उनकी स्किन एकदम ना 50-60 साल के भी लोग ऐसे लगेंगे 25-30 साल के, उनकी स्किन इतनी टाइट होती है बिकॉज वो कोलेजन, लाइक वो सी फूड लेते हैं, सी फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, बहुत कुछ होता है, और वो हमारी तरह मिर्च मसाला नहीं खाते, वो लोग ऑयली फूड नहीं खाते, वो बॉइल्ड फूड खाते हैं, तो उनको कोलेजन बहुत ज़्यादा अच्छा, फिश में बहुत अच्छा कोलेजन होता है, सब चीज़ होती है। तो बहुत सारे लोग हैं इंडिया में जो फिश नहीं खाते हैं, नॉन वेज नहीं खाते हैं, और सबसे ज़्यादा कोलेजन मिलता है पोर्क में। अगर आप थाईलैंड में जाएंगे या चाइना में जाएंगे तो वहाँ पे जो कोलेजन के पाउडर्स आते हैं या टैबलेट्स होती हैं वो पोर्क मतलब सुअर की चर्बी से जो बनाया जाता है उस वो बेस्ड होता है। बट ये दिस इज़ अ प्लांट बेस्ड, डोंट गेट कन्फ्यूज, दिस इज़ अ प्लांट प्योरली प्लांट बेस्ड
कोलेजन, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, मगर मैं अभी आपको बताऊँगा डिफरेंट टाइप ऑफ कोलेजन जो मार्केट में आते हैं। तो जो कोलेजन है वो आपको जो पोर्क बेस्ड होते हैं या मरीन या फिश के के द्वारा बनाए जाते हैं, बट वो बहुत गंदा स्मेल करते हैं। तो मैं आपको जो लेके आया हूँ वो कोलेजन विच इज़ अ प्लांट, प्योरली प्लांट बेस्ड। अब इसके फ़ायदे क्या है, जब आप कोई भी ऐसा फूड लेते हैं लाइक कोलेजन पाउडर लेते हैं या टैबलेट्स लेते हैं जो कि एनिमल बेस्ड होता है, तो उसको बॉडी को डाइजेस्ट करने में, एब्जॉर्ब करने में बहुत टाइम लगता है। बट दिस इज़ अ प्लांट बेस्ड जो बॉडी बहुत फास्टली नेचुरल है, तो बॉडी बहुत ईजिली एब्जॉर्ब कर लेती है, और जब एब्जॉर्ब करती है तो ये आपके स्किन में और जो जहाँ भी कोलेजन की ज़रूरत है वहाँ पर जाके वर्क करता है। तो बेसिकली अगेन इट्स अ कोलेजन स्टिमुलेटर एंड बिल्डर। तो ये बहुत अच्छा कंपनी ने इनिशिएट किया है, इसके अंदर बायोटिन भी है, विटामिन सी है, रोज पेटल है, सी बकथ्रम है, बहुत सारे इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट इंग्रेडिएंट है। और जो मैं आपको बता दूं और क्या क्या इसके अंदर है, तो जो इंपॉर्टेंट आपको जानना है, इसमें ऑरेंज पील है। ये बना कैसे, तो ये जो ऑरेंज पील होता है, जो ऑरेंज पील होता है विच इज़ अ सोर्स ऑफ सिट्रिक एसिड विच इज़ गुड फॉर ग्लोइंग स्किन, क्लियर ऑयली स्किन। इसके अंदर सी बकथ्रम है विच इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए, इम्प्रूव स्कैल्प हेल्थ, आपकी जो स्कैल्प की हेल्थ उसको भी इम्प्रूव करेगा, बूस्ट कोलेजन एंड कोलेजन प्रोडक्शन, जो कोलेजन का प्रोडक्शन उसको भी बूस्टअप करता है कि आप और जल्दी कोलेजन ज़्यादा बने। इसमें जो सोर्स लिया गया है वो ग्रीन आंवला है विच इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी विच अगेन मॉइस्चराइज योर स्किन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मॉइस्चराइज स्किन को मॉइस्चराइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हेल्दी स्किन रहे। इम्प्रूव प्रोडक्शन ऑफ कोलेजन, अगेन जो कोलेजन उसके प्रोडक्शन को इम्प्रूव करता है। इसका अच्छा जो सबसे अच्छा एक और जो सबसे अच्छा इसका इंग्रेडिएंट है विच इज़ अ बैम्बू शूट विच इज़ अ गुड सोर्स ऑफ सिलिका विच इज़ वेरी गुड फॉर हेयर थिकनिंग, ठीक है, और अगेन इट विल रिड्यूस योर हेयर फॉल। इसमें सस्बैनिया ग्रैंडीफोला फ्लोरा के लीव्स भी हैं विच इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ बायोटिन, अगेन विच इज़ आपको पता है बायोटिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोटिन बालों के लिए, और इसमें असेंशियल फॉर विच इज़ यू नो विच इज बायोटिन विच वेरी गुड फॉर हेयर ग्रोथ एंड नेल्स, आपके नेल्स में भी वर्क करेगा, स्किन में भी वर्क करेगा, एंड ये और साथ में क्या कहेगा, आपके रैशेज अगर पड़ते हैं तो वो भी इसको भी रिड्यूस करेगा, एक्ने एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी भी वर्क करेगा। ये आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी लाइक हम जो एक्ने होते हैं वहाँ पर रेड रेड आपको स्पॉट दिख जाते होंगे ना, तो ये उनको भी कम करेगा। अगेन ये आपका सिर्फ स्किन में नहीं, स्किन में, हेयर में, नेल्स, नाखून भी अच्छे करेगा, बाल भी अच्छे करेगा, और आपके स्किन को तो करेगा ही करेगा। तो उसको लेना कैसे है, इस तरह इसमें स्कूप रहेगा, इस स्कूप को लेना है और कुनकुने पानी में आपको डालना है, इसको आपको कुनकुने पानी में डालना है इस टाइप से, वन स्कूप, अच्छा इट्स अ वेजिटेरियन, बहुत इंपॉर्टेंट है, नो ग्लूटेन, अगर किसी ग्लूटेन का वो है रेशियो होता तो उसमें डोंट वरी, शुगर फ्री है, डायबिटीज़ वाले इजीली ले सकते हैं। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है भाई शुगर फ्री है कि नहीं है, शुगर उनको नहीं इंटेक नहीं करना है, एंड इट्स अ सोई फ्री एंड नॉन GMO। और इसमें और क्या जानना चाहिए आपको, अच्छा आप इसको ज़रूरी नहीं कि पानी मिला, आप अपने कोई भी ड्रिंक में भी ले सकते हैं, आपको जो भी फेवरेट ड्रिंक है उसमें इसको घोर के पी सकते हैं, और एक से दो स्कूप आपको एक दिन पीना है, और कोई या किसी भी चीज़ में डाल के आप पी सकते हो इसको, थोड़ा इसको आपको घोरना पड़ेगा बिकॉज इट्स प्लांट बेस्ड, तो थोड़ा सा ये घोरने में थोड़ा सा इशू कर सकता है क्योंकि केमिकल ही नहीं है, तो आपने पानी में डाला फर्श से घुर गया, तो इसको ऐसा करके और फिर आपको इसको पीना है। बहुत ही अच्छा मिक्स टेस्ट है जिसमें आपको ऑरेंज का भी फील आएगा और बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट चीज़ों का फील आएगा पीते समय। और कोई प्लांट बेस्ड में लोग सोचते हैं कि यार कड़वा होगा कुछ ऐसा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, इस लिटिल स्वीटर बट विदाउट शुगर, और इसमें ऐसा कुछ मुझे लगा नहीं कि टेस्ट में कुछ ख़राब है। सुबह शाम पीना है कम से, इसको तो रेगुलर डालो आप डाइट में अपने, मतलब आप रेगुलर पीना है आपको, ऐसा नहीं कि आपने एक दिन एक डब्बा पिया और सोचा कि आपका स्किन टाइट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है, ये बूस्ट कर रहा है, तो आपको विद इन आफ्टर यूजिंग आपको 2-3 महीने में आपको बहुत अच्छा फर्क दिखने लगेगा, मतलब 15-20 में फ़र्क दिखने लगेगा, मगर 2-3 महीने में अच्छा मार्क डिफरेंस आ जाएगा। इसके प्राइस है 199 विच इज़ अराउंड 250 ग्राम, आपको 60 ग्राम पर डे लेना है,
सॉरी 6 ग्राम, आई एम सो सॉरी, 6 ग्राम आपको पर डे लेना है और इट्स अराउंड 200 ग्राम, तो ये अच्छा खासा आपका मतलब 2-3 महीने चल जाएगा। ये मिलेगा कहाँ पे आपको? ये मिलेगा नीचे दी हुई डिस्क्रिप्टिव लिंक्स में, आपको वहाँ पे जाके मिल जाएगा। और अगर डिस्काउंट आपको बहुत सारे हैं, आप जाइए वेबसाइट पे, वहाँ पे सर्च कर लीजिएगा, आपको डिस्काउंट भी मिल जाएंगे। और अगर आपको करते हैं अपनी स्किन से प्यार, तो प्लीज़ यूज़ कीजिए दिस GSC बाय मार्स प्लांट बेस्ड कोलेजन बिल्डर। और कोई भी डाउट हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा, मेरी आईडी डॉक्टर अभिनीत गुप्ता, वहाँ पे मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको जरूर बताऊंगा कि कैसे उस चीज़ को सॉर्ट आउट करना है। और हम जुड़े रहेंगे फैमिली की तरह।